मीरा, लॉयर ने डाइवोर्स पेपर भेज दिए हैं, कल 9 बजे तक साइन कर देना। मीरा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम कभी कुछ कहते क्यों नहीं? आज मेरी समझ में आया, मैं बात बात पे जो तुमसे गुस्सा करता था, बात बात पे चिढ़ता था, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि अनजाने में मैं नाराज था कि तुमने हमारी डाइवोर्स की बात पर कभी नहीं रोका मुझे। लेकिन आज तुम्हारे बिना कहे मैं सब समझ गया हूं। इस शादी के द्वारा मुझे ये समझ आया कि हमारी शादी को बचाने के लिए तुमने कितनी कोशिशें की। आप तो सिर्फ अपने बीते हुए कल की बात कर रही है, मैं तो अपना पूरा बीता हुआ कल लेकर अपने वर्तमान में जीने लगा था आपके साथ। एक छत के नीचे ले आया था मैं अपना वो बीता हुआ कल। तो शायद यही मतलब है ना शादी का, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की हिम्मत बने, एक दूसरे की ढाल बने, यही होता हुआ ना शादी का मतलब। आज जो तुम्हारे साथ हुआ, उस ड्राइवर ने तुम्हारी जान खतरे में डाली, तुम्हारी गाड़ी पर जानलेवा हमला किया, वो शुक्र है कि प्रीति जी वहां थी, और उस वक्त जो उन्होंने किया एकदम सही था, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। प्रीति जी मीरा जी के साथ थी, वो शादी मुबारक छोड़ के नहीं जा रही थी, वहां वो खतरे में थी और मैं यहां तब से बहुत ही बड़ा बेवकूफ था मैं जो आज तक अपने दिल को जगा नहीं सका। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये महसूस नहीं करवा सका कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस दिल ने ना धड़कना बंद कर दिया प्रीति जी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये क्या कह दिया मैंने? मैं नहीं रह सकता हूं प्रीति जी के बगैर, मुझे उन्हें कुछ भी करके जाने से रोकना होगा। प्रीति जी को देखा? सर, मैंने मैम को बस स्टैंड जाते हुए कैब में बैठते हुए देखा। ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि आप मेरी जिंदगी से चली जाएंगे हमेशा के लिए? एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? मैंने वादा किया था ना आपसे फेरे लेते वक्त कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगा। मेरे लिए मेरा वादा, मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। आज आप मुझसे वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। आप जाइए जाइए, मैं खुशी खुशी यहां पर सब कुछ संभालूंगा अकेला, और आपको भी सुकून मिल जाएगा कि आप मुझसे दूर हो गए। अगर मेरे जाने से आप खुश हैं, तो मैं अभी इसी वक्त यहां से जा रही हूं। जी, आप जाइए।
प्रीति जी, प्रीति, प्रीति जी, प्रीति जी, प्रीति जी, अरे पागल है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरी पत्नी भाग गई। काहे कह रहे हो काका, खेती ऐसी भूल होने नहीं देगा। प्रीति जी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उदयपुर से पाटन जाने वाली बस स्टैंड नंबर 2 से जाएगी। हीरा नगरी की तरफ रास्ता खराब है, वहां से आने वाली बस 1 से 1.5 घंटा देरी से आएगी। मुझे काम है, बहुत जरूरी काम है, मैं 2 घंटे इसको वापस दे दूंगा आपको। ये सरकारी है, मैं समझता हूं सरकारी, मेरा भी काम बहुत जरूरी है। भाई साहब देखिए, ये गलत है। अरे ये तो फिल्म स्टार केटी जी है। ऐसा लग रहा था कि मेरा सीना चीर के ना दिल बाहर निकल आएगा। प्रीति जी, मुझे महसूस हुआ
मुझे छोड़कर मत जाए। सुन रही हैं आप? अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा पुनीत जी, कुछ नहीं बचेगा, मेरा अस्तित्व अधूरा रह जाएगा। और ऐसा तो तभी होता है ना जब कोई किसी से प्यार करता है। जी जी सुन रही हैं आप? यही सच्चा है, यही मेरे जीवन की सच्चाई है कि मैं आपसे प्यार करता हूं प्रीति जी। कुछ दिनों से जो मैं चिड़चिड़ा व्यवहार कर रहा था आपके साथ वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आप शादी मुबारक को छोड़कर जा रही हैं, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे छोड़कर ना चली जाए। आप छोड़कर चली जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा प्रीति जी, प्लीज रुक जाइए। आपको लेने आया हूं, प्रीति पाटा, आपका केटी आपको लेने आया है। प्लीज प्लीज मुझे भी हमारा काम करने दीजिए। यात्रीगण ध्यान दे, उदयपुर से मुंबई की बस अब जा रही है। उदयपुर से मुंबई की बस अब जा रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे। पीछे जाना, जल्दी घुमाइए घुमाइए, प्लीज प्लीज घुमाइए घुमाइए, मैं यहां से कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा यहां से, बस घुमाइए आप। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।